चौकी प्लैंक एजुकेशन नथिंग लेस। तो फाइनली हम एन हुक के साथ में, एन जो हुक है उसके साथ में किस तरीके से एस या एस ई एस मीन्स डबल एस की जो साउंड होती है या एस टी की जो साउंड होती है, एस डी की जो साउंड होती है, एस टी की जो साउंड होती है और एस टी आर इसकी जो साउंड होती है वो किस तरीके से ऐड करते हैं। जैसे वर्ड आता है हमारे पास में डैन, तो आप उसको इस तरीके से डैन बना दीजिए। अब यही वर्ड अगर इसमें ऐड हो जाता है एस डांस, तो इसमें एन को कंप्लीट बना दीजिए। अब याद रहे ये जो सर्कल है ये क्योंकि राइट मोशन से बना हुआ है, यहां पर जितने भी सर्कल बनेंगे लूप बनेंगे सारे के सारे राइट मोशन से बनेंगे। जब राइट मोशन से बनते हैं तो इनके साथ में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है एन, कोई भी चाहे लूप है चाहे सर्कल है चाहे डबल सर्कल है। जैसे डांस डांसेस, तो ये जो होगा ये डबल हो जाएगा। डबल का मतलब यही है हमारे पास में कि भाई हम इसको एस एस के साथ में एन भी दिखा रहे हैं। अगर वर्ड यही आ जाए हमारे पास में डांस्ड, तो लूप बन जाएगा। वर्ड डांस्टर, तो लूप बन जाएगा बड़ा एस टी आर का। वर्ड जो बन रहे हैं यहां पर वो सारे के सारे जो है हम एन के साथ में अटैच करके तब बना रहे हैं। जैसे कि स्पिन्स अगर आ जाए तो स्पिन्स के अंदर हा एस पी एन एस, ये राइट मोशन से जो सर्कल बनेगा ये एन एस को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरीके से जो लेफ्ट मोशन से बनेगा वो केवल एस को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अंदर मान लो वर्ड स्पिन्स्टर आ जाता, तो एन है ना, तो एस टी आर का लूप राइट मोशन से बन जाएगा। जब राइट मोशन से लूप बनेगा तो वो पहचान कराएगा कि इसमें एन भी जुड़ा हुआ, तो ये हम जो है स्पिन्स्टर, ये हमने जो है राइट मोशन से बना दिया। राइट मोशन का हुक एन और ऐड कर देता है हमारे पास। अब हम इसमें जो कर्व स्ट्रोक्स होते हैं उनके साथ में जो एन लगता है, अगर उसमें भी एस आ जाता है, वो सारे के सारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे, अब कर्व स्ट्रोक्स के अंदर जो है अगर हमारे पास में एन हुक के तुरंत बाद में एस आ जाता है, जैसे कि वर्ड आ गया फाइन, तो हमने फाइन को ऐसे बना दिया। वर्ड आ जाता है फाइन्स, तो हम इसमें फाइन और इस एन के अंदर ही छोटा सा सर्कल लगा देते हैं जो कि एस को रिप्रेजेंट कराता है। जैसे वर्ड है अर्न्स, तो हम इसमें अर्न एन के अंदर, हम यहां पर ध्यान रखना कंप्लीट सर्कल नहीं बनाएंगे, क्योंकि सर्कल अगर कंप्लीट बना दिया तो यहां पे लेफ्ट राइट का मोशन नहीं होता, सर्कल हमेशा इनसाइड कर्व बनता है। तो अगर हमने इसको कंप्लीट सर्कल बना दिया तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा एस से, तो एन गायब हो जाएगा, लेकिन हमें एन गायब नहीं करना, एन भी रखना है, तो हमें एन का हुक बना करके उसके बाद में ही एस को जो है लगाना है। जैसे वर्ड हमारे पास में आ जाता है लॉन्स, तो ये भी हमारे पास में यहां पर लॉन्स, इसी तरीके से यहां पर जो है हमारे पास में एन एस और एन जेड दोनों साउंड जो है वो आएंगी। एन जेड जो साउंड होगी वो ज्यादा मायने रखती है, जबकि जो एन एस की जो साउंड होगी, यानी कि जो हमारे पास में लाइट साउंड होगी, लाइट साउंड ऑफ एन एस, उसके लिए आपको ये वाली फॉर्म बना देंगे। जैसे कि वर्ड आ जाता है यहां पर देखो लॉन्स, यहां पर जो है वर्ड आएगा फेंस, तो आपको यहां पर आउटलाइन पूरी बनानी पड़ेगी फेंस।
और इसके अंदर जो है अगर हमारे पास में आ जाता है नाउंस, ये लाइट साउंडेड है, तो आपको पूरी आउटलाइन के साथ ही बनाने पड़ेंगे। ऑल्दो अगर आपको पहचान हो गई है तो आप चाहें तो इसको जो है इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ये आपको अलग ही बनाना है, बस डिस्टिंक्शन के लिए आप इसको अलग कर सकते हो। जैसे वर्ड इसमें आ जाता है मीन्स, तो हाँ आप इसके अंदर जो है चाहो तो इसको पूरा ही बना सकते हो और चाहो तो इसको जो है मतलब छोटा भी कर सकते हो। एफ और वी के बाद में अगर हमारे पास में एफ और वी के बाद में अगर हमारे पास में एस सर्कल आता है, तो जैसे हमने कर्व में एन स्ट्रोक के साथ में एस को दिखाया है, ये भी उसी तरीके से दिखाया जाएगा। जैसे पफ है तो पफ को आप ऐसे बनाओगे, लेकिन अगर हमारे पास में पफ्स आ गया तो पफ्स में जो है पी एफ एस, हुक के अंदर ही सर्कल को रिप्रेजेंट करना है, अलग से सर्कल या इसको कंप्लीट सर्कल नहीं बनाना है। इसको अगर कंप्लीट सर्कल बना दोगे तो इसमें से एफ गायब हो जाएगा, ये केवल पस पड़ा जाएगा, तो हमें इसको अवॉइड करना है, हुक के अंदर ही हमें सर्कल को बनाना है। जैसे हमारे पास में वर्ड आ गया आर्काइव्स, तो इसके अंदर भी हमें जो है कंप्लीट ऐसे ही आर्काइव्स, जैसे कि ऑब्जर्व्स, ऑब आउटसाइड एंगल वी और एस, हम यहां पर हाफ आउटलाइन, हाफ आउटलाइन का मतलब सर्कल ही बनाएंगे कंप्लीट, यहां पर हमें कंप्लीट हुक और के अंदर जो है ऑब्जर्व्स, यहां पर जो है हमें इसको रिप्रेजेंट कराना होगा हुक के अंदर। अब अगर एनएस बीच में आ जाता है, यानी कि मीडियली हमारे पास में एनएस की या एन जेड की जो है वो साउंड आती है, तो यहां पर दोनों लेटर को आपको अच्छे से दिखाना होगा। जैसे कि डेंसिटी, तो इसमें वर्ड को रिप्रेजेंट कराने के लिए डेन सिटी आपको कंप्लीट आउटलाइन जो है वो बनानी पड़ेगी। जैसे कि फेंसर, तो फेन सर, इसमें जो आउटलाइन है वो कंप्लीट बनेगी जो हमारे पास में बीच में एनएस या एनजेड आ जाता। किसी किसी वर्ड में इसमें हम शॉर्ट आउटलाइन बना सकते हैं, जैसे हमारे पास में वर्ड है विनसम, तो इसके अंदर जो है हम आउटलाइन को शॉर्ट कर सकते हैं विन सम। इसी तरीके से जो है वर्ड हमारे पास में आ जाता है जैसे कि रैनसम, तो रैनसम में भी जो है हम आउटलाइन को छोटा कर सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं वर्ड में अपस्ट्रोक गया है, यहां पर हम देख रहे हैं डाउन स्ट्रोक आया है, तो अपस्ट्रोक जहां पे भी आता है ठीक है वो, या डाउन स्ट्रोक जहां पे भी आता है वो इसके रूल में कहीं एडजस्ट नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, आपको पता होना चाहिए कि दोनों स्ट्रोक अच्छे से बने हुए हैं। अगर कहीं पे कंडीशन बन रही है कि भाई आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करा सकते हो तो आप करा दो। इफ माई वीडियोस आर नॉलेजेबल देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट।